नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। में हूं आपके साथ विवेक पांडे। देश में सनातन पर महाभारत जारी है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए नेता राजनेता दुकानदार बयानबाजियां दे रहे हैं। एक तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का इंडिया गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और जीत की रणनीति लगातार तैयार की जा रही है। तो इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के सनातन विरोधी बयान पर सियासी घमासान मच गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले सनातन पर सवाल उठाए, फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदय निधि ने डेंगू मलेरिया से सनातन की तुलना की, फिर धीरे धीरे सनातन विरोधियों की लंबी लाइन लग गई। सबसे पहले सुनिए सनातन विरोधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के ये बयान। इस्लामाबाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். I am prepared to give answer for all cabinet ministers. If the Prime Minister convenes the meeting and let them be permitted me, I will explain which one is Sanatana Dharma. Thereafter you decide. Let him decide. You said you are ready for a debate. Yes, even now I am telling. I told. और वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना से सनातन धर्म का अपमान करने वालों पर तगड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दल समाज को विभाजित करने में लगे हैं, उनका मकसद भारत की संस्कृति पर हमला करना है। ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई। आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी सनातन के मुद्दे पर जमकर बयानबाजी दे रही है। बस फर्क इतना है कि विपक्षी नेता सनातन का अपमान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता सनातन का गुणगान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सनातन का पहले भी जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा था कि वो इस विवाद का सख्ती से जवाब दें। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान काफी कुछ बयां कर रहा है। वहीं एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर, सुनिए। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का आज जन्मदिवस है, जिसके चलते इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले इंडिया न्यूज की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको और पूरी टीम को। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म को लेकर के इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है, बीइंग एन इंडियन भी कुछ लोग कोई ओपिनियन रख रहे हैं, कुछ ओपोजिशन कुछ कह रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो सनातन धर्म पे जो लोग विरोध कर रहे हैं, चर्चा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो संविधान को नहीं मानते। संविधान को अगर ये मानते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने ढंग से मानने का प्रावधान किया है, तो फिर चर्चा किस बात की? ये जो मूल चीजें हैं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं, जो कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में जो योजनाएं नहीं पहुंच पाई, उन चीजों को एनडीए पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है, इस बात की दिक्कत लोगों को है। वो क्यों नहीं शिक्षा की बात करते, क्यों नहीं रोजगार की बात करते, क्यों नहीं दवाई पे चर्चा करते? प्रदेश में इन लोगों को चिंता बढ़ी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे जो भी पार्टी हो। आज के अगर 10 साल पहले हम जाएं तो कांग्रेस की रिजिंग में, सपा की रिजिंग में, सरकार में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, दंगों की भेंट में जान माल के नुकसान होते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में 6 साल में एक भी ऐसे दंगे नहीं हुए जहां लोगों की जान माल की हुआ हो और कर्फ्यू लगा हो, इस तरह का मूवमेंट नहीं है। इस बात को लेकर विपक्ष चिंतित है कि ये जो हम लोग करते थे यहाँ, इसमें सब बंद हो गया है, तब वो लोग वही स्थिति लाना चाहते हैं कि देश में दंगा हो, प्रदेश में दंगा हो और अमन चैन खराब हो, ये वो लोग चाहते, इस नाते बिना वजह की चर्चा करते हैं। और वही सनातन धर्म पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। अपर्णा यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। अपर्णा जी, जिस तरीके से सनातन पर सियासत तेज हो गई है और लगातार ऐसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर मैं बात करूं तो उनका भी बयान आया है कि कैंसर से भी बड़ा अभिशाप है सनातन, क्या किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, इस बारे में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज मैं फिर बोलूंगी कि इस प्रकार की भद्दी टिप्पणियां करने से आदमी स्वयं का जो है चरित्र परीक्षित कर रहा है। और सनातन अजर है, शाश्वत है, अमर रहा है। कितने आक्रांता आ गए, कितने भयावह फैलाने आ गए, कितने लोग आ गए कि इसको खत्म कर दें, इसको जड़ से समाप्त कर दें, कुछ नया धर्म निकाल दें, कुछ नया कर दें। पहले तो जो है चोटी रखने के लिए भी जो है वो दिया जाता था कि भाई टैक्स देना पड़ रहा है। तो हम लोग बहुत बड़ी लड़ाई करके आ रहे हैं। तो और दूसरी बात मैं कहूंगी कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी ना करे, ये समाज के लिए बहुत गलत है। आप राजनीति में हैं, आप एक मॉरल रिप्रेजेंटेटर भी हैं, आप समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व निभा रहे हैं। और लोग आपको इसलिए चुन करके नहीं ला रहे हैं कि आप किसी भी धर्म विशेष, किसी भी जाति विशेष, किसी भी अड़ंग बड़ंग कुछ भी आप बोल करके अपनी राजनीति चमका लें। ऐसे लोग अपना ग्राउंड खो रहे हैं और खो चुके हैं, खो रहे नहीं है, खो चुके हैं। वो सिर्फ लाइमलाइट में बने रहें, जैसे आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार उनका जो है मैं संबोधन ले सकें या किसी प्रकार की टीका टिप्पणी ले सकें, वो अपने लिए कर रहे हैं। दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स, बट इन द प्रोसेस दे आर लूजिंग देयर ओन ग्राउंड। सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि एक तरह से सनातन ही तो था जी। सबसे पहले सनातन ही था, उसके बाद अन्य धर्म आए इस धरती पर भारतवर्ष में जी। तो आप अपने पूर्वजों को अपशब्द कह रहे हैं, आप अपने पूर्वजों को गाली देने का काम कर रहे हैं। हैड इट बीन एनी अदर कंट्री, अगर आप किसी और कंट्री में होते और आपने किसी भी तरीके से इस प्रकार की बद्दी अभद्र टिप्पणियां करी होती तो आज आप राजद्रोह में जेल में पड़े होते। तो आप किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं भाई? आप कम से कम, हमारा देश जो है दयालु प्रकृति का है, हमारा सनातन क्योंकि सिखाता है मानवता, एक अभिन्न अंग है सनातन का। इसलिए मैं समझती हूँ
कि चलिए क्षमा करते हुए, परंतु मैं ये भी कहूंगी कि आप लोग माफी मांगिए अपने बयान के लिए, क्योंकि समाज में इसका गलत मैसेज जाता है। और अगर आप एक राजनीतिक हैं, अगर आप किसी भी पार्टी विशेष से हैं, आप इस प्रकार की टिप्पणियों से बचें। और 2024 का जहां तक है वो प्रधानमंत्री जी डेवलपमेंट के मॉड्यूल पर लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और जो है पहले भी जीत रहे थे, अब फिर इस बार 2024 में देखिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि यही लोग गंदगी कर रहे हैं। ये विपक्षी जो है कुछ ऐसे जो है बरसाती मेंढक हैं इसमें, कि जो बिन मतलब में बिन मौसम जो है बरसात में टटर आ रहे हैं। जी, से बात करने के लिए तो आप सुन रहे थे अपर्णा यादव को, लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ, मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी सनातन विरोधियों को करारा जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए आप। कैबिनेट मंत्री जयवीर जी इस वक्त हमारे साथ है, बात करेंगे। जिस तरीके से सनातन पर सियासत इस वक्त तेज हो गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो उन्होंने भी इसको गंभीर बीमारी बताया है और ऐसा भी कहा है कि कैंसर से भी बड़ा अभिशाप है ये। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, सनातन भारत की संस्कृति का मूल आधार है जी। जन्म से मृत्यु तक जीवन के अनुशासन, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली, सोच, भारत की संस्कृति, परंपराएं, आदत, मूल सब कुछ इसी पे आधारित है। सनातन का मायना भारत की संस्कृति का खात्मा, और सनातन का खात्मा करने वाले बाबर से लेके औरंगजेब से ले होते हुए रावण तक जन कितने लोग नष्ट करने का प्रयास करते रहे, लेकिन सनातन था, सनातन रहा और सनातन रहेगा। वो लोग नष्ट हो गए जिन्होंने सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया। ऐसे लोग जो सनातन पर आक्रमण कर रहे हैं, केवल और केवल वही लोग हैं जो पहले विभिन्न दलों के रूप में थे, आज इंडिया गठबंधन के तहत एकजुटता पे आ गए, जिन्होंने राम के स्वरूप को, राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया, जिन्होंने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करके वोट हथियाने का काम किया, वही लोग आज इकट्ठे होकर के सनातन संस्कृति पर हमले करने का काम कर रहे हैं। और इसका परिणाम ये होगा कि आगामी आने वाले समय में, और इसके पीछे कारण भी केवल एक है कि उनको तुष्टिकरण के आधार पर अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का वोट इकट्ठा अपने पक्ष में करना है। इस आधार पर जानबूझ के सनातन संस्कृति को गालियां देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन रखिए कि आने वाले 2024 में जिसके लिए काम कर रहे हैं, जनता ने ऐसा जवाब देगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री जयवीर जी को, लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ, मैंने निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। और सनातन पर जारी सियासी महाभारत पर जनता क्या कह रही है वो जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। वाराणसी की जनता का क्या कुछ कहना है ये भी सुनिए आप। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन दिनों सनातन धर्म के विरोधियों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल कोई सनातन धर्म को डेंगू से तुलना कर रहा है, तो कोई HIV से, तो कोई मलेरिया से इसका तुलना कर रहा है। अब लगातार सनातन विरोधियों की संख्या बढ़ गई है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इनको किस तरीके से करारा जवाब देती है। हमारे साथ काशी के तमाम वो लोग हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस तरीके से सनातन धर्म का विरोध किया जा रहा है? इस तरह का विरोध, सनातन धर्म का विरोध केवल एक चुनाव 2024 के लिए किया जा रहा है, केवल एक वर्ग विशेष के वोट के लिए इतना अस्तर विहीन राजनीति की जा रही है। लेकिन 2024 में इसका जवाब जो है जनता देगी, और माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनको जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाएगी, और सनातन धर्म का विरोध करने वालों के मुंह पर जूता पड़ेगा। और इस तरह की जो बातें, निम्न स्तरीय बातें जो है किसी विशेष वर्ग विशेष के लिए वोट के लिए आप करिए, और इतने पुराने धर्म को, इतने पुराने धर्म जिसको सब लोग इतना सम्मान करते हैं, जो हमारा जो संस्कृति और संस्कार है उस धर्म की तरह अपमान करना, ये बहुत ही गलत और बहुत शर्मनाक है। उदय निधि स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म, डेंगू, मलेरिया इन्हें जल्दी खत्म कर देना चाहिए। अपना राजनीतिक अस्तित्व खतरे में देखते हुए मात उसको बचाने के लिए चंद लोगों को खुशामद करने के लिए उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है। राजनीति में सनातन धर्म को घसीटा जाना बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म इस राष्ट्र की जीवन शैली है, इसलिए इसका कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है। लेकिन अपना अस्तित्व समाप्त होते देख करके
कुछ नेता अपने को स्वयं राजनीति में जिंदा रखने के लिए सनातन धर्म के विरोध में ये वक्तव्य दे करके मात्र चर्चित होना चाहते हैं, इससे ज़्यादा उनका कोई मतलब नहीं निकल गया। 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिस तरीके से विरोध पड़ रहा है उस विरोध को लेकर अब क्या करेंगे जब वोट देने जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ ग्रामीण जनता ज़्यादा निवास करती है और ये सनातन धर्म का जो विरोध कर रहे हैं ये मात्र अपने जो है चुनाव के लिए ही कर रहे हैं और इसका करारा जवाब जो है चुनाव में हमारी जनता 2/3 बहुमत से सरकार को भेजेगी दिल्ली में। क्या लगता है आने वाले समय में सनातन धर्म विरोधियों की संख्या बढ़ेगी केवल लोकसभा चुनाव को लेकर? सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ एजेंडा उनका ही है और कोई मकसद नहीं है। सनातन धर्म का न कभी खत्म हुआ है न कभी नष्ट हुआ है, चंद लोगों के कहने में कुछ होने वाला नहीं है, इनको जनता भरपूर जवाब देगी अब की बार। आप क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव में सनातन धर्म इनको बताएगी सनातन धर्म की ताकत क्या है? और ये सनातन धर्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में इसका डंका बजा हुआ है और 2024 के चुनाव में हमारी जनता इनको दिखाएगी सनातन धर्म की ताकत क्या है और विपक्षों को खदेड़ देगी। यही मुद्दा होगा 2024 में? एकदम बिल्कुल एकदम, चुनाव को देखते हुए विरोधी पार्टी जो है इंडिया दल, ये लोग चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और हिंदुत्व जो है वो जाग चुका है, वो जान रहा है ये लोगों को क्या है। ये लोग केवल एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए ये लोग अपनी राजनीति कर लेकिन इन लोगों का राजनीति चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका एक बयान है कि हिंदू धर्म है ही नहीं। ऐसा है कि उनका दिमागी रूप से दिवालियापन हो गया उनके, क्योंकि जो है कभी वो बसपा में थे तो बसपा में बड़े नेता के बड़े कैडर थे, अब वहाँ से भाग करके आए जो है भाजपा में, भाजपा में मान सम्मान मिला लेकिन फिर यहाँ से जब हार के भागे चले गए सपा में, क्योंकि सपा को खुश करना है भाई, समाजवादी पार्टी को खुश करना है तो समाजवादी पार्टी को खुश करना तो क्या किया जाए? तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म का अगर विरोध किया जाएगा तो इससे समाजवादी पार्टी खुश होगी और एक वर्ग हमको वोट देगा और मैं चुनाव जीतूंगा। लेकिन जनता ने पहले भी उनको नकारा है और इस बार और भारी मत से उनको नकार करके उनकी औकात उनको समझा देगा। लेकिन इंडिया गठबंधन जो बना है वो लोग कह रहे हैं कि हमसे इस बयान को लेकर कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अनेक राजनीतिक दल जो कि INDIA गठबंधन में है इस खतरे को समझ रहे हैं। उदय निधि ने गलत बयान दे दिया है या बिहार के शिक्षा मंत्री गलत बयान दे रहे हैं, स्वयं अखिलेश भी समझ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बिल्कुल गलत है, इसलिए वो कभी इन नेताओं के साथ वो लोग खड़े होना नहीं देखना चाहते, क्योंकि इस देश की 80% आबादी सनातन धर्मी है। सनातन धर्म के विरोध में ये लोग चुप्पी साध लिए हैं, इसलिए यदि विरोध में स्वर मिलाएंगे तो बिल्कुल राजनीतिक दल नेस्त नाबूद हो जाएंगे। INDIA जो है चुनाव से पहले ही समाप्त हो जाएगा, उससे पहले बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पार्टी के छोटे कार्यकर्ता बयान दे रहे हैं लेकिन बड़े कार्यकर्ता चुप हैं, पदाधिकारी चुप हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप हैं, क्या लग रहा है अंदर ही समर्थन है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है, इनको ये लगता है कि अगर हम कुछ बयान देते हैं तो हमारा नुकसान होगा लोकसभा के चुनाव में, समझ लिए। ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि NDA का घटक दल है, जैसे उदय निधि बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, जगदानंद तिवारी जी बोल रहे हैं, ये लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे नेता हैं ये, और लोकसभा के चुनाव में जनता इनको पूरी तरह जवाब देगी और ये धराशायी हो जाएंगे। ये जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है ऐसा नहीं लग रहा कि तुच्छ राजनीति की जा रही है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कार्य किया जा रहा है? बहुत घटिया राजनीति हो रही है, बिल्कुल एकदम घटिया राजनीति, निम्न स्तर की जिसको बोल सकते हैं, आ गए हैं लोग अपने औकात पे। अब इससे भी गिरा स्तर तो नहीं हो सकता हमारे ख्याल से, और जब सनातन को लेके आ गए कहाँ जाएंगे ये लोग? ये पूछना हम चाहते हैं लोगों से, क्या सनातनी नहीं है? सिर्फ रोड की राजनीति के लिए मात्र जो है कब तक चलेगा ये सब? ये लोग धराशायी हो जाएंगे अगले चुनाव में, बहुत बुरी तरीके से हारेंगे ये लोग, फिर ये कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे इसके बाद। आप आइएगा फिर हम बताएंगे आपको चुनाव के बाद। तो आप आइएगा हम बताएंगे चुनाव में आपको। देखिए, ये काशी के लोग हैं, ये गांव से लेके शहर के बीच में रहते हैं और सभी बातों को सुनते हैं, लगातार टेलीविजन पे निगाहें रहती है। तो बड़े नेता हो या अलायंस के, या छोटे नेता हो या छोटे कार्यकर्ता की न हो, जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, वो विरोध अब 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो इस खास पेशकश में हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से राजनेता हो, वो चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के, क्या कुछ बयान उनका सामने आया सनातन पर जारी इस महाभारत पर, और आम जनता के क्या कुछ सुर थे
ये भी आपने देखा। फिलहाल के लिए यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।